सब रेफर किए होंगे जबलपुर से? नहीं, थोड़ा सांस में इसका सांस में थोड़ा धड़कन चल रहा था, सक सक हो रहा था। जबलपुर में रिफर कर दिए, फिर वहां से एक रात वहां रुके, फिर 5 बजे मतलब 5 बजे करीब बच्चों को दे दिए। क्या हो गया था? वो मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और फिर वहां से साधन नहीं मिल रहा था। डॉक्टर से हम बोले कि डॉक्टर सर कि हमें मतलब गाड़ी की सुविधा दीजिए, तो डॉक्टर बोले यहाँ से नहीं मिलेगा, आप कहीं से व्यवस्था कीजिए बोले। तो हम लोग पैसे ना दाम नहीं थे और कुछ भी नहीं, गरीब आदमी, हम लोग बस में झोला में रख के बच्चे को ले आए। बहुत बेकार लग रहा है सर, इसलिए हम लोग ये जबलपुर बस स्टैंड में हम लोग बैठे हैं झोला में रख के बच्चे। जी देखिए, जैसा रिकॉर्ड्स में लिखा है, क्योंकि वहाँ तो मेडिकल रिकॉर्ड हैं, बराबर उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे को क्या इलाज दिया गया, किस तरह से उसे क्या क्या किया गया बच्चे के साथ और बच्चे को क्या क्या सहूलियतें उपलब्ध कराई, ये सब नोट डाउन होता है और ये सब उपलब्ध है वहाँ रिकॉर्ड, और उनके परिजनों के हस्ताक्षर भी हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को ले जा रहे हैं और जीवित बच्चे को वो लेकर गए थे। जांच कमेटी जो बनाई जाएगी तो कुछ कितने दिन में ये रिपोर्ट पेश करेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी अगर कोई दोषी पाए जाता है? देखिए, करीब 15 दिन का समय देना होता है जांच के लिए, तो जैसे भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।